नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आप सबको जय माता दी, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो नवरात्रि की खुशी में मैं आज आपको कराऊंगी माँ कालका के दर्शन, वो भी घर बैठे हुए। तो चलिए मेरे साथ माँ कालका की नगरी चलते हैं। ये आने वाली है माँ कालका की नगरी। सामने देखिए पहाड़ों का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। सनसेट का टाइम था इसलिए व्यू और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं काफ़ी जाम था वैसे। ये है कालका टाउन जहाँ से लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। अभी मैंने एक सूट लेना है, मैं दोबारा यहाँ आऊँगी सूट लेने के लिए। यहाँ पे अच्छी चीज़ें अच्छे प्राइजेस में मिल जाती है, मैंने ऐसा सुना है। आप आना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। तो ये है वो रास्ता जो बिल्कुल जा रहा है माँ कालका के मंदिर की तरफ। यहाँ पे दुकानें हैं, उसमें भी माँ का ही सामान है जो खरीदना चाहे, चुनरी वगैरह जो भी हो। तो पहुँचते ये पहुँच के हम माता कालका के मंदिर के बिल्कुल सामने, लेकिन जहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी तो हम थोड़ा सा आगे गए। तो आगे जाते जाते हम काफ़ी आगे पहुँच गए, लेकिन सड़क के रश बहुत था। तो फिर हमने गाड़ी काफ़ी आगे पार्क की और फिर आगे हम पैदल पैदल आए। चलो थोड़े से हम पैदल भी चले गए माँ के पास। तो ये थी दुकानें, यहाँ पे मिट्टी का सामान बहुत अच्छा था, जो आप मूर्ति वगैरह कुछ भी आप खरीदना चाहो तो ले सकते हो। वैसे मैंने सुना है कि मूर्ति घर में रखी नहीं जाती है, शुभ नहीं होती है अगर आप रोज़ उसको उसकी सेवा नहीं कर सकते। तो फिर हमें हुए माँ प्राचीन कालका देवी के मंदिर के दर्शन बाहर से। फिर हम बाहर वापस आए प्रसाद और ये फूल लेने। इसमें प्रसाद था, फूल था, श्रृंगार का सामान था माँ का, ये सब हमने खरीदा 100 रुपये में। तो हम फिर अंदर की तरफ गए, अंदर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कोई ये गायक आए हुए थे, आई थिंक ये नवरात्र के कारण ही सब कुछ था। तो ये देखिए माता के दर्शन कीजिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ अम्बे। तो यहाँ पे फिर युवराज ने भी माँ का माथा टेका। ये देखिए ये कुर्ता पजामा पहन के गया था, बिल्कुल एथनिक बच्चा बन के गया था वहाँ पे। इसका कुर्ता पजामा वैसे छोटा हो गया था तो हम इसको यहाँ पे माथा टेकना कैसे है वो सिखा रहे थे। और ये यहाँ पे इधर उधर भाग के बहुत खुश भी हो रहा था जब हम यहाँ पे बैठे थे। ये देख रहा था कि मतलब इसको पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पर फिर माथा टेक के हम गए दूसरी साइड जहाँ पे माता की जोत है। तो ये थी दीवारें, दीवारों पे कुछ इस तरह की लगी हुई थी माता की ये तस्वीरें। ये नैना देवी माता की लगी हुई थी, श्री गणेश की लगी हुई थी। तो हम बाहर की तरफ आए, ये देखिए माँ कालका का भव्य रूप। यहाँ पे हमने यहाँ पे भी माथा टेका और फिर यहाँ पर शिवलिंग थी जिनकी लोग सेवा कर रहे थे। और यहाँ पे फिर एक साथ में गुरुद्वारा साहिब भी, तो गुरुद्वारा साहिब में भी हम गए थे। ये गुरुद्वारा साहिब 6वीं पातशाही की याद में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सिर ढक लिया था चुनरी से, लेकिन युवराज और उसके पापा के पास सिर ढकने के लिए नहीं था कुछ, तो वहाँ से हमने रुमाला साहब लेके फिर सिर ढका। तो मंदिर में और गुरुद्वारे में माथा टेक के हम वापस बाहर की तरफ आए। यहाँ पर युवराज जो है यहाँ के इतने सारे लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो हम फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले गए वापसी की ओर। तो यहाँ पे एक बहुत बुरी बात हो गई थी, प्रसाद वापस लेना हम भूल गए थे। चलो हमने सोचा कोई बात नहीं, दर्शन हो गए वही बहुत है। तो यहाँ पे फिर हम खुश होते हुए माता के भजन गाते हुए वापस की तरफ चल पड़े। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी हमें। तो बोलो जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा, जय माँ कालका, जय माँ काली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए, बिना कॉमेंट किए चले जाते हो, दिस इज़ नॉट फेयर गाइज, ऐसा मत कीजिए। गुड बाय।